जब व्यक्ति अपने घर के अंदर ही विकास नहीं करवा सकता तो पूरे विधानसभा में कैसे विकास होगा। नीचे पुल है, ऊपर बाल्टी है, उसके ऊपर हाथ का पंजा है। अरे वो पहले चुनाव है जिसके अंदर सब जी जान वांग अब मनियों के साथ लाग रहे हैं। कार्यकर्ता होने के नाते ही कांग्रेस पार्टी टिकट दी है। 3 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष के अंदर रिजल्ट रहेगा। भाजपा को निर्धारित कर दिया है यहाँ की जनता ने। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है। नेता तब है जब उसके पास जनता है। हाँ, मारो लोगों ने आश्वासन है, छोरो बढ़िया है, इन आगे ले आओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। राजस्थानी राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आज अब पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभाओं कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पूनिया आगन। और जानेंगे अभिमन्यु पूनिया है के मुद्दा लेके संगरिया की जनता के बीच में जा रहा है और के मुद्दा लेके चुनाव लड़ लग रहा है और आना रही 25 तारीख ने संगरिया की जनता आने वोट क्यों देवे, सारी की सारी चीजें लेके है अभिमन्यु पूनिया के साथ चर्चा करेंगे। और एक युवा होने के नाते बने चीज को कितों फायदों मिलेगा चुनाव लड़ने को और है सब चीजें लेके चर्चा करेंगे। तो वीडियो है बड़ी ही शानदार होना रही है, वीडियो लास्ट तक देखे और वीडियो शेयर जरूर कर दी। तो अपने साथ संगरिया जो कांग्रेस प्रत्याशी है अभिमन्यु पूनिया अपने साथ मौजूद है। अभिमन्यु पूनिया जानेंगे कि अब जिया मतदान का जिया 2 दिन शेष है तो के मुद्दा ने लेके जनता है जो बीच के अंदर जा रहा है और जा रहा है तो बात करें। अभिमन्यु जी सारों पहले थारा स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू अभिमन्यु जी। अब आप जानना चाहोगे कि युवा हो थे मतलब अगर पूरे राजस्थान के अंदर एक थे ही हो जो कम उम्र था जो चुनाव लड़ लग रहे पहले तो युवा होना तो टिकट मिली है किसों का अनुभव? देखो यूथ कांग्रेस NSU में काम किया हुआ है, कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। कार्यकर्ता होने के नाते ही कांग्रेस पार्टी टिकट दी है और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के नाते ही पार्टी प्रत्याशी के रूप में प्रचार प्रसार सेवा करने को मौका मिल रहा है, सेवा करने को प्रयास कर रहे हूँ, जन समर्थन मिल रहा है, युवा साथियों को सहयोग मिल रहा है। जो लंबे समय से युवा साथी मेरे साथ थे, बहुत से साथी कॉलेज टाइम से साथ थे, वो लोग मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं। ठीक है, मजबूती को चुनाव लड़ लग रहे हो तो एक आप आंकलन करा तो थाने के मतलब के लग रहा है कितना मतदान के रिजल्ट को जो आना 3 दिसंबर ने के 3 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष के अंदर रिजल्ट रहेगा। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट रहेगा। आप जो जोश देख रहे हो दूसरी पार्टी का थे, मीटिंग उठा के देख लो, दूसरी पार्टी को जोश देख लो, दूसरी पार्टी की सभाएं देख लो। भाजपा को निर्धारित कर दिया है यहाँ की जनता ने। भाजपा निर्धारित है। कल जो हमारे नेता राजा बड़िंग जी ने बोला यूथ कांग्रेस से निकल कर वो गए हैं कि नीचे पुल है, ऊपर बाल्टी है, उसके ऊपर हाथ का पंजा है। लेकिन अभिमन्यु जी आ तो बात होगी लेकिन एक बात आ भी है कि अभिमन्यु पूनिया के ऊपर राहुल गांधी और सचिन पायलट को सायो है कि कितनी सच्चाई है बात? देखो राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी के ही चुनाव प्रक्रिया के प्रोडक्ट हम लोग हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस पार्टी में ये चुनाव प्रक्रिया नहीं लाते तो सामान्य साधारण गरीब किसान परिवार का लड़का टिकट की सोच नहीं सकता था कि वो टिकट लेके आ सकता है क्या। दूसरी पार्टी के आप कोई भी कैंडिडेट उठा के देखो, इस प्रकार से टिकटें कोई नहीं देती। ये राहुल गांधी जी की सोच है जो कि एक आम परिवार, गरीब परिवार, किसान परिवार को भी उम्मीदवार बनाकर भेज देती है ये, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो छात्र नेता इकाई से उठकर आए हैं, जो संघर्ष करना जानते हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में पहचान उन्होंने बनाई है, उन कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी हमेशा टिकट दी है। मेरे को नहीं, राजस्थान प्रदेश में 15 टिकट ऐसे मिली है जो हमारे जैसे कार्यकर्ता मेरे पदाधिकारी यूथ कांग्रेस के हैं, NSU में मेरे साथ रहे हुए हैं, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष तक को टिकट दी है राहुल जी। एक अभिमन्यु जी एक सवाल मेरा और होगा, संगरिया के अंदर जी प्रमुख समस्या तो क्यों सफ़ेद जहर है जो बहुत सा मैं जी ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए गाँव में है, शहर में बात है, क्योंकि शहर में होकर तो वो गाँव में भी पसार चुके हैं तो अंग प्रति के रुक के रहोगे अगर चुनाव थे जीत जाओ अगर विधायक बन जाओ तो मतलब सारों पहली प्राथमिकता के रहोगे? देखो सबसे सफ़ेद पाउडर नशा मुक्त करवाना सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर नशा मुक्त नहीं होगा आने वाले युवा पीढ़ी नौजवान पीढ़ी अदर जूल में पड़ जाएगी, नौजवान पीढ़ी खत्म हो जाएगी, नौजवान दिखेंगे नहीं आपको आने वाले 5 साल में और यहाँ क्राइम इतना बढ़ जाएगा, यूपी बिहार जैसी परिस्थितियाँ यहाँ पैदा हो जाएगी। तो एक अभिमन्यु जी अपना जो हनुमानगढ़ जिले है जो कृषि प्रधान एरियो माने गए संगरिया की आप बात करते हैं, संगरिया विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो, पहला तो अलग अलग होया करती टीबी संगरिया लेकिन संगरिया में चुनाव लड़ रहे हो, संगरिया मंडी के अंदर मतलब इतो जो धान की आवक इतनी ज्यादा होया करती लेकिन अब नाम मात्र ही कुछ शेष रहेगी है तो किसानों के प्रति हो रहा मैं सब में कह रहा हूं। देखो धान की मंडी टिब्बी बनेगी, टिब्बी राइस बेल्ट घोषित होगा, टिब्बी धान मंडी बनेगी, टिब्बी अगर धान मंडी बनेगी, धान मंडी बनेगी इसका अना ये बनेगी चावल मंडी, चावल मंडी बनेगी तो जो चावल हमारे से आज सिरसा जम्मू कश्मीर जा रहा है वो हमारे जब मंडी बन जाएगी तो 100-100 रुपये उस पे पर कुंटल पे उनकी बढ़ोतरी होगी, किलो पर बढ़ोतरी होगी, यहाँ के किसान को सहूलियत मिलेगी, बिजली में सहूलियत मिलेगी, उसके पानी के अंदर सहूलियत मिलेगी क्योंकि राइस बेल्ट करवाना सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी टिब्बी क्षेत्र को। अभिमन्यु जी एक चीज और अंतिम सवाल है मेरा, वो
गुरदीप शाह बिन जी मोका का विधायक है अभी और चुनाव भी लड़ लग रहे सके, लेकिन पिछले 2-3 सालों जो बात करें जलको में रिपोर्टिंग करी अठे तो एक सड़क है जो मुख्य सड़क अठे सड़क बनी भी कोनी और बहुत सा लोग परेशान भी होया, तो भी दौरान लोगों को वो कहना हो कह के संगरिया और टिब्बी के अंदर है जो भेदभाव है जो वो करे जावा लग रही है क्या बेसंगरिया करेगा जब टिब्बी में विकास कोनी हो रहा और कोने आ बता सच्चाई है कि गुरदीप साहब बिन जी विधायक साहब ने करवाया कहाँ है विकास, मेरे को तो कोई विकास दिख नहीं रहा उनका करवाया वो। कुछ स्कूलों में कमरे देने से विकास हो जाता है तो मेरे को समझ में नहीं आया भी कमरे सार्वजनिक स्थिति है, करवाया विकास कहाँ है। उनके सापनी ग्राम की हालत देख लो, उनके अपने खुद के गांव की सड़क देख लो, फिर दूसरे गांव की बात करनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने घर के अंदर ही विकास नहीं करवा सकता तो पूरे विधानसभा में कैसे विकास होगा। लेकिन मैं कुर्सी की बात करना चाहता हूँ। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो लोगों ने 5 साल नेता ने जनता ने उनको दिए हैं, 5 साल वो नदारद रहे हैं, 5 साल में काम करना चाहिए। आज जनता हमें चुन के जाएगी, हम जनता के चुने हुए लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है, नेता तब है जब उसके पास जनता है, जिसके पास जनता नहीं है उसके पास नेता भी। टक्कर में कौन था रहे? मैं पार्टी टक्कर में रहेगी, भाजपा कांग्रेस की टक्कर है, सीधी टक्कर है। 1-2 दिन शेष रह गया, आज प्रचार खत्म हो जाएगा, संगरिया विधानसभा के मतदाता ने की अपील करना चाहो? अपील करता हूँ कि नौजवान आम परिवार हर वर्ग इसलिए वोट दे, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वोट दे, संग्रह टिब्बी के भविष्य के निर्माण के लिए वोट दे, नौजवान पीढ़ी के रोजगार के लिए वोट दे, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए वोट दे, ये हमारी जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पुनिया जी को, जो परिवार है बस मैं रूबरू कराऊंगा थाने। और ये जो देख पा रहे संजय जी नाम है, दादाजी है, रिश्तेदारी में बांगा मेरा लगे तो भाई सही है, जवान सही है ज्यादा। अच्छा संजय जी, दादाजी? हाँ जी, परिवार के अंदर हूँ, मारो बड़ो लंबो चौड़ो परिवार है, पुनिया परिवार है, संयुक्त परिवार बहुत लंबो चौड़ो है जी। अरे वो पहलो चुनाव है जो केंद्र सब जी जानू आंग अब मन्यू के सागर लाग रहे हैं। अब संजय जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभिमन्यु पुनिया लोगों को वो भी कहना होगा अभिमन्यु पुनिया के वार्ड पंच कोई चुनाव को लड़े हो, मतलब कोले छत राजनीति का वार्ड पंच सरपंच मतलब जो राजनीति की सीढ़ी हो, लेकिन अब को जो दौर चल रही है डिजिटल दौर के अंदर राजनीति की सीढ़ी है जो छात्र संघ चुनाव न जानी जाए। अभिमन्यु पुनिया एक ऐसी शख्सियत है जो जयपुर के अंदर सचिव को भी चुनाव लड़े हो और लड़े तो छात्र राजनीति उभरेड है, लेकिन लोग क्या कहेंगे पार्षद को और भी चुनाव को लड़े हो और पांच जन लेके देखो जी, पहले तो यूनिवर्सिटी को चुनाव लड़े हो, जनरल सेक्रेटरी को चुनाव जीते हो, फिर NHC को प्रदेश को चुनाव लड़े हो वो जीते हो, यूथ कांग्रेस को चुनाव लड़े हो वो जीते हो, आ कौन केस के कोई भी आंगो नॉलेज को नहीं आना चुनाव के अंदर, बड़ा 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 चुनाव है अभी राजस्थान लेवल का, मांग अंदर लोग बहुत सहयोग दियो। अरे एक सारो मोटी बात है जी, वो किस्मत को बड़ो बली है, टिब्बी संग्रह क्षेत्र की जनता को आ भावना भी वो चुनाव को भी बहुत अच्छा वोटाऊ जीतेगा। अब जी हाँ जान जाओ दादाजी होते परिवार के अंदर ही बचपन की शौक निकलियो? बचपन बहुत संघर्षशील है जी, बड़ो लायक लड़को है, अरे कैसा गया पैर हाथ लगा हुआ है, कोई भी मिल जाए ना तो यहाँ कौन कैसे भी नाराजगी है, सारे हमारा जितो भी एरिया है, हमारा परिवार है, रिश्तेदारी है, सब ही नचावे जी। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा संजय जी, जी ठेके वाला रहे हो, मिलन सारे और कितना बहन भाई अभिमन्यु जी रहा? तीन भाई। अच्छा अंग चाचा रहे ना, चाचा अंग अभिमन्यु का, अभिमन्यु जी खुद कितना बहन भाई है? एक ही है। अच्छा इकलौता ही है क्या? इकलौता ही। अच्छा अभिमन्यु जी का पिताजी ने मैं बताना चाहूंगा बानी भी अगर थे देखो तो यहाँ के कौन सो अभिमन्यु जी का पिताजी मतलब यहाँ भाई सा लगा है ना, यहाँ के खाए करो थे सारा थे दादा हो ए चाचा है, बताना चाहूंगा ए चाचा है सारा मतलब यहाँ भाई सा लगा ला रहे सारा, पहले के खाए करो क्यों? जमींदार आदमी है, दही है दूध है वही खावा और के खावा, दही और दूध भी कड़ा था डाइट भी करा करो, मैं आ तो थोड़े करने पड़े थोड़ा करना पड़े तो मैं चाचा लागू चाचा लागू। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वासिंग जी थे के कहना चाहूंगा? मैं वो कहना चाहूँगा कि युवा है सागे रहना चाहिए, संघर्ष बहुत करो है, हर जगह धरना प्रदर्शन करना, जित भी अन्याय हुआ है विरुद्ध लड़े है और आगे भी लड़ दो रहो, आ मारो लोगों ने आश्वासन है भी छोरो बढ़िया है, इन आगे ले आओ छोरो, अगर कामयाब है तो पूरा एरियो कामयाब होगा। तो बचपन किसों के निकले कोई शरारत वगैरह कोई? बिल्कुल शरारत कौन कर दो जी, थोड़ा स्कूल जाना जो जरूर रोन दो, छोटो हो जाता स्कूल जाता रोता थोड़ा छोटा छोटा थे भी रोता मैं भी रोता थोड़ा छोटा। हाँ जो रिक्शा चढ़ाना भी डर दो फिर बाद में चढ़ा गया था करना वो मेरे तो गोदी छोड़ के गोदी नहीं रिक्शा चढ़ाना लेकिन हाँ भी डर दो लेकिन बचपन हाँ बिंग बाद में बढ़िया चलो खूब हमेशा छोटा हूँ आगे बढ़। उम्र कितनी होगी अभी? 31 साल, 31.5 साल है। और लड़की टीचर है बसीर पोस्टिंग है चुनाव के बाद कोई आगे मैं तो यही कहना चाहूँ बढ़िया छोरो है तो जीतना चाहिए जीतोगे भाई साहब भाई लगे जी परिवार ही है
परिवार को मिलेगा जी सही परिवार एक ही खून है जी। और कितने सदस्य होते संयुक्त परिवार है पूरो? नहीं संयुक्त परिवार है जी, मेरा पूरो जो गांव है सरेका और है वो टोटल 4 के एसपी 2 पंचायत में जी मेरा परिवार बंटेड है। पुराना गांव मल्लारामपुर अजीतपुर है। तो अभी मु भाई मारा परिवार एक ही सब मिल गए और वो मेहनती छोरो जी पहले राजस्थान कॉलेज में मेहनत की है और करिए तीन देखो एक चुनाव को जीत जाए अगले साल अगली बार भी ओल्ड मोहर भी लोग गिर लिए कन थोड़ा तीन चुनाव जीतिया ये मतलब बड़ी बात है। अभी पहले चुनाव में की बात पूरी करी बताएंगे राजनीति का दिग्गज कहलावा है दिग्गज जी का कहलावा है जी। भी एक चुनाव जीते हुए लोग खड़े उतरे हुए, दूसरा चुनाव जीते हुए फिर खड़े उतरे हुए, और तीसरा चुनाव जीते हुए फिर लोग 6 लाख ऊपर वोट दिए। अभी है राहुल गांधी और सचिन पायलट का फेवरेट भी बतावे। देखो जी फेवरेट ही तरह है सब ने किया है मेहनती आदमी चाहिए ठीक है आलसी आदमी कितनी कौन चाहिए मेहनती है इनका तो फेवरेट है और मेहनत करने ला रही है और बंगी जो इच्छा है पायलट साहब की राहुल जी की वहाँ पर पूरा उतरने ला रही है इनका तो फेवरेट है। देखो जी शबनम जी की अब टिकट कट्टी भी लेके कहोगे? देखो जी पार्टी को विचारधारा है बन है लगे अभी चलो यूवन आगे बढ़ाना चाहिए ठीक है जी। शबनम जी बढ़िया काम करो लड़िया हो रहा सिस्टम जो भी है पर ठीक है पार्टी की विचारधारा बन गई तो सगी जी सारा शबनम जी तो दूर को नहीं है हमारे परिवार ला रहे पूरी जी मेरा जी हमारे परिवार का बहुत पुरानी मारी शबनम जी साहब हमारे परिवार का धर्मेला जी दादेर सुसरा ना शबनम जी का बंग साहब हमारे आज 50-60 साल पुरानी बहुत ज्यादा आंडा है। मनु जी ब्याह मन बुलाओगा के? ओ जरूर जरूर। थारो के नाम है साहब? राहुल पुनिया जी। ठीक है लागो बायला को जी। अच्छा बायला राहुल पुनिया पुनिया मतलब बिश्नोई पुनिया हो ना जी जी पुनिया जाटा में भी आए करे ना? हां जी भाई जाटा में मैं जाटू हूं इसने बड़ा डांग। अच्छा थे मनिया बताओ राहुल जी क्या कहना चाहोगे भाई के बारे में? भाई के बारे में कहना चाहूंगा जी बहुत मेहनती छोर है जी छोटी सी उम्र में जको मतलब है और कोई अचीव कौन कर सके अन छोर अचीव करिया जी इतना छोटी उम्र में ही पूरा राजस्थान में नाम करना बहुत बड़ी बात है जी। यूथ में जको जोश है वो इन लड़के में मिले जी बहुत मेहनती है जी छोरो हर हर जगह तैयार मिले कदे कोई संघर्ष को काम ही है हमारे एरिया में रतनपुरा में पीछे थोड़ा टाइम पहला सोसाइटी वाले रोड़ो हो तल तलवाड़ा में थोड़ा चलन आ रहे हैं जद भी हो वो छोरो एक फोन के साथ पहुंचे है जी। तो आज आप संगरिया विधानसभा जो कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया आगे साथ चर्चा करी और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में जाने और अभिमन्यु पुनिया के सागे सागे बंगो परिवार के तरीके को परिवार में कौन कौन है बा लोग जितना लोग अपना मिले बाहू है थाने सबने रूबरू कराए है और राजनीति की बातें हैं जो राजनीति को जो जीवन का जो उतार चढ़ाव है बंग बारे में चर्चा करी है। तो वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थारी की राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मैंने जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में दे बेल आइकन का बटन दबा दो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तेरे गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है इस नंबर पर थे मैंने फोन करो मैसेज करो मैं तेरा गाँव में पूछूंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा और संगरिया विधानसभा जो कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया अंग प्रति थारी के व्यक्तिगत राय है बात है मेंशन करके जरूर बताओगा। अंतो मने दे इजाजत और जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।